जेईई जैसे नेशनल एग्जाम के टॉपर्स में फर्जीवाड़ा करने मान्यता संबंधी दस्तावेजों पर उठे सवालों से चर्चा में आए गंगापुर सिटी के साइंस एकेडमी में भारी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। शिक्षा विभाग की 1200 पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट में एकेडमी के खिलाफ गंभीर अनियमितताएं साबित होने के साथ ही भारी फर्जीवाड़ा साबित हुआ है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद अब विभाग ने एकेडमी के खिलाफ शिकंजा कस दिया है और इसकी मान्यता खतरे में आ गई है। देखिए एक रिपोर्ट। फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर। फर्जीवाड़े में फंसी डीएस साइंस एकेडमी। डीएस साइंस एकेडमी की मान्यता पर लटकी तलवार। फर्स्ट इंडिया ने किया था फर्जीवाड़े का खुलासा। खुलासे के बाद एक्शन में सरकार। जी हां, गंदा है पर धंधा है। टॉपर्स का सहारा लेकर कैसे धंधा चमकाया जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण गंगापुर सिटी की डीएस साइंस एकेडमी है। लेकिन डीएस एकेडमी के इस फर्जीवाड़े का खुलासा फर्स्ट इंडिया ने 12 मई को किया था। फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खुलासे के बाद फर्जीवाड़े की जांच हुई तो 1200 पन्नों की जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अब सरकार डीएस एकेडमी की मान्यता रद्द कर सकती है। दरअसल एकेडमी ने अपने विज्ञापनों में जेईई मेंस में अवधेश प्रसाद को अपना स्टूडेंट बताते हुए नंबर वन रैंक का स्टेट टॉपर्स बताया था। मामला तब पेचीदा हो गया जब कई अभिभावक और स्टूडेंट को स्टेट टॉपर्स के रूप में निशांत का पता चला। निशांत प्रदेश के एक नामी इंस्टीट्यूट का छात्र है और इंस्टीट्यूट ने राज्य स्तरीय समाचार पत्रों सहित अपनी साइट पर निशांत की ऑल इंडिया रैंक 6 बताते हुए राजस्थान स्टेट टॉपर्स बताया। उसकी ऑल इंडिया रैंक अवधेश से कहीं ऊपर है। खबर में सवाल खड़ा किया गया कि जब निशांत टॉपर है तो आखिर डीएस साइंस एकेडमी ने अवधेश को स्टेट टॉपर बताते हुए विज्ञापनों में उनके नाम का इस्तेमाल कर आखिर स्टूडेंट और पेरेंट्स को भ्रमित क्यों किया। उच्च स्तर पर मामला पहुंचा तो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय की ओर से जांच शुरू की गई। डीएस साइंस एकेडमी के खिलाफ कई पुख्ता सबूत जांच अधिकारी की ओर से जुटाए गए। करीब 1200 पन्नों की ये जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद शिक्षा विभाग को सौंप दी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग अब एकेडमी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डीएस साइंस एकेडमी की ओर से 7 मई 2019 को समाचार पत्र में दिया गया विज्ञापन भ्रामक है और झूठा है। एकेडमी ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर डमी प्रवेश को नियमित एडमिशन दर्शाने के लिए एलन कोटा के रिकॉर्ड से मिलाने का कूट रचित प्रयास किया है। छात्र अवधेश प्रसाद एलन कोचिंग सेंटर कोटा में अध्ययनरत रहा है, उसकी उपस्थिति डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी में दर्शाना भी कूट रचित है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही स्टेट टॉपर लिस्ट प्रेस रिलीज के माध्यम से जारी करता है। डीएस साइंस एकेडमी के विज्ञापन में छात्र अवधेश प्रसाद की राजस्थान प्रथम रैंक गलत साबित हुई। डीएस साइंस एकेडमी से प्राप्त पीएसपी पोर्टल पर कक्षा 12 के सत्र 18-19 के नियमित विद्यार्थियों के रिकॉर्ड में धांधली मिली है। अखबार के विज्ञापन में जेईई मेंस में 171 विद्यार्थियों का सिलेक्शन बताया गया है, जबकि इनमें से 16 विद्यार्थी तो एकेडमी के पीएसपी पोर्टल पर हैं ही नहीं। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अभिशंसा की है कि अधिनियम 1989 और नियम 1993 की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में आता है। ऐसे में संस्थान की मान्यता को विड्रॉ किए जाने की अभिशंसा की जाती है। चर्चा यह भी है कि विभाग टैक्स चोरी के मामले में जांच की सिफारिश के साथ ही धोखाधड़ी को लेकर कानूनी रूप से मामला दर्ज करवा सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की करीब 1200 पन्नों की जांच रिपोर्ट ने डीएस साइंस एकेडमी को कटघरे में ला खड़ा किया है। अब देखना यह है कि डीएस साइंस एकेडमी को अपने फर्जीवाड़े की कीमत किस रूप में चुकानी पड़ेगी। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन कलाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।